हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रवण सर। आप सब जानते हैं हमारे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और हमें सरकार के निर्देश को पालन करते हुए अपने घरों में ही रहना पड़ेगा जब तक कि अगला आदेश नहीं आता है। आप सब जानते हैं इसी बीच हमारे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई बाधित न हो उसके लिए मैंने पहली बार आप सबों के लिए अपने वीडियो को अपलोड करने का काम किया है। पहला प्रयास है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसे आगे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास टेंथ के पहले चैप्टर का जो मैथ्स में है, दैट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर्स ये हम लोगों का पहला चैप्टर है। इस रियल नंबर चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिविजिट कर लेते हैं कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में जो पहले भी हम जानते थे, जिसमें आप जानते हैं कि जो अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं, है ना, अरिथमेटिक नंबर्स, ये नंबर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक आपका इमेजिनरी और दूसरा रियल नंबर्स। इमेजिनरी जो होते हैं इसको हम लोग जनरली एरोटा से दिखाते हैं, जैसे कि रूट अंडर माइनस वन दैट विल बी एरोटा, सो मीन्स दैट इज़ इमेजिनरी। आप समझ सकते हैं इमेजिनरी का मतलब ही हो गया कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और दूसरा है रियल नंबर। रियल नंबर को अगर हम फर्दर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो वो आता है रेशनल नंबर, जिसके बारे में आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर में जब हम लोग आते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि इसको हम बांट देते हैं दो भागों में। इस फैक्टर थ्री के द्वारा आप समझने का प्रयास करना। पहला आप हो जाता है ये आपको जो रेशनल नंबर है उसमें हम लोग आ जाते हैं तो इंटीजर्स, और जो सेकेंड है दैट विल बी फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन। सो मेनली क्या है, हम लोगों को इंटीजर में ही होल नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, होल नंबर्स। ये एक फैक्टर ट्री, ये आपका रियल नंबर का एक ट्री है जिसमें हम लोग को मेनली रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल, इसी के बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हम लोगों का रेशनल नंबर है इसको आप नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर होते क्या हैं, व्हाट आर द रेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल ऑफ जीरो। सो दीज ऑल नंबर्स आर नॉन एज द रेशनल नंबर्स, और इसका अपोजिट हो जाएगा इरेशनल, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो हम बात करें सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग का है रियल नंबर का, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जिसमें हम लोग को मेनली रियल नंबर जो है वो है क्या, रियल नंबर्स। समझदारी के लिए और आसानी के लिए आप समझ सकते हो कि रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स, मीन्स हम इसको कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स ये जो रियल नंबर है इसको हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के ग्रुप के रूप में जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली पढ़ना क्या क्या है, इसके सेक्शंस क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को विजिट करना है इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। सेकेंड जब हम लोग चलेंगे तो उसमें हम लोगों को इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर क्या क्या रिप्रेजेंट करना है वो हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा आप इसको देख लो पहले, फिर हम समझेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पहले हमें पढ़ना है टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की सहायता से हम लोगों को सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, दो संख्याओं के बीच में HCF निकालना हम सीखेंगे। फिर सेकेंड इसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के आधार पर हम लोग ये पढ़ेंगे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स, टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। इसके पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। थर्ड जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी रीविजिटिंग टू द इरेशनल नंबर्स, रीविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स। और लास्टली जो है इस चैप्टर के अंत में हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी मेनली इन दिस चैप्टर ऑफ रियल नंबर वी हैव टू कवर फोर सेक्शंस। फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, रिविजिटिंग टू द इरेशनल नंबर्स, एंड देन आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर्स। तो शुरू करते हैं, अभी तक शायद समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करें कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। लेमा एक ग्रीक वर्ड है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो लेमा इज अ ग्रीक वर्ड, लेमा जो है एक ग्रीक वर्ड है, और इस लेमा के तहत हम लोग जो HCF हुआ या फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स है उसको जो हम लोग स्टेप वाइज करते हैं उस एक वेल डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स इज नॉन एज एल्गोरिदम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेमा और एल्गोरिदम को सेम समझ लेते हैं। नो, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है वो एक वेल डिफाइंड सीरीज है प्रोसेस का, जिसको हम लोग एल्गोरिदम कह सकते हैं। मेनली करने के लिए तो बहुत कुछ हम लोग करते हैं, जैसे HCF जो है आप पहले भी पढ़े हो, लेकिन इस क्लास में HCF जो फाइंड करना है उसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार फाइंड करेंगे, जो हम प्राप्त करेंगे किसके द्वारा, वेल डिफाइंड सीरीज या फिर आप कह सकते हो स्टेप्स, जिसको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आइए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को जानते हैं, है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो ये है कि अगर दो संख्याएं ले लेते हैं, सपोज दैट ए एंड बी, ये दो संख्याएं हमारे पास, ओके। सो ए और बी को सपोज दैट ए की जगह पर हमने 2 ले लिया और बी की जगह पर हमने 3 ले लिया। अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन का अर्थ ही होगा निश्चित तौर पे, ये डिवीजन से ही रिलेटेड होगा। सो जब आप 2 से 3 को डिवाइड करते हो, व्हेन यू डिवाइड 3 बाई 2, देन 2 वन जा 2 एंड देयर इज 1, मीन्स व्हाट डू यू कॉल इट, डिवाइजर, यू कॉल्ड इट डिवाइजर। 3 विल बी कॉल्ड डिविडेंड, 3 विल बी कॉल्ड डिविडेंड।
वन इज द कोशेंट. वन को क्या कहेंगे? कोशेंट कहेंगे. ये कोई नई बात नहीं है. एंड वन इज द रिमाइंडर. सो इन क्लास फोर्थ और फिफ्थ यू वॉन्ट टू चेक योर डिवीजन. जब आप इसको चेक करना चाहते हो क्या लिखते हो? यू राइट इट डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये बहुत पहले आप पढ़े हो कि डिविडेंड इज इक्वल ऑफ डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इन नाइन्थ क्लास, जब आप क्लास नाइन्थ में आए तो इसी चीज को, यानी द सेम थिंग यू रीड एज रिमाइंडर थ्योरम, एज रिमाइंडर थ्योरम. सो इन रिमाइंडर थ्योरम व्हाट डू यू लर्न? पी एक्स इज इक्वल ऑफ जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर. आर इज द रिमाइंडर, वेयर दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस विल बी कॉल्ड quotient and this is remainder. So using remainder theorem, what do you find? Remainder. Okay, so next, in 10th class, this same thing that you have learned in 9th class or in 6th or 7th class, by which you are using the checking your division, is it right or wrong? In 10th class, same thing you have to read as Euclid's division lemma. Is lemma me for given, for given two positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r. मतलब क्या हुआ इसका? सच दैट, इसको थोड़ा सा ये समझेंगे आप. सच दैट मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो संख्या है a एंड b, यहाँ क्या लिया हमने? 2 and 3. इसको हम a मानते हैं और इसको क्या मान लिया? b. जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 भी प्राप्त होता है और साथ में 1 एज अ रिमाइंडर भी प्राप्त होता है. तो उसी तरह a और b है, अगर हम b से a को डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट भी मिलता है और r भी मिलता है. और इनका रिलेशन क्या होता है? ये जो रिमाइंडर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो रिमाइंडर है, दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल दैन 0 बट लेस देन बी. इट विल बी ऑलवेज लेस देन बी. अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा ये समझना. ये क्या है? ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. फॉर गिवेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट रिमाइंडर इज आइदर ग्रेटर और इक्वल देन 0 बट लेस देन B. ओके, सो सी, अब इसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे वो देखिएगा. आपने क्या लिखा था यहाँ पर? ये था आपका डिविडेंड. डिविडेंड क्या है मेरा? A है. डिवाइजर क्या है? B है. और ये क्या है? कोशेंट Q. और ये हो गया R. मीन्स A इज इक्वल ऑफ बी क्यू प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल ऑफ 0 बट लेस देन b. थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम आपको समझा दें कि मान लीजिए अगर आपने 2 से है ना जो डिवाइड किया था 3 को, तो 2 1 2, रिमाइंडर इज 1. यहाँ जो ये रिमाइंडर है, ये आपका a है, ये आपका b है, दैट इज q एंड इट इज r. अब ये जो रिमाइंडर है, यहाँ जो 1 है, ये कभी भी 2 से क्या आएगा? छोटा आएगा या फिर 0 आएगा. आइदर इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल और द रिमाइंडर दैट विल कम हियर, इट विल बी ऑलवेज लेस देन बी. ओके, सो दैट्स वाई हियर इट इज रिटन कि जो रिमाइंडर है वो या तो 0 आ जाएगा
या कभी भी बी से, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे कभी भी छोटा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। संख्याओं को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो संख्या है उसके बारे में ज़रा समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए हमने 2 से डिवाइड किया था, तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। 2 तो कभी नहीं आ सकता है। 2 इसलिए नहीं आएगा कि अगर यहाँ हम 2 देते हैं तो फिर ये एक बार में क्या हो सकता है, डिविजिबल है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होंगे, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। उसी तरह सपोज दैट कि अगर आप 3 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो, सपोज दैट 4 को, सो 3 1 3, सो रिमाइंडर विल बी 1। अगर 3 से हम 9 को डिवाइड करते हैं, सो दैट विल बी 3 3 9, इट विल बी, रिमाइंडर विल बी 0। सो अगर हम 3 से 11 को डिवाइड करते हैं, 3 3 9, रिमाइंडर विल बी 2, रिमाइंडर विल बी 2। सो आप समझ सकते हो कि ये 3 के द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया और काफ़ी एक्सप्लेन करके हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर सिर्फ 0 होंगे या 1 होगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, या फिर हमारे पास रिमाइंडर होगा 2। 3 कभी नहीं आ सकता है। सो आप समझ सकते हो, आप खुद इस बात को जांच कर सकते हो कि उसी तरह अगर आप 4 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। क्या 4 हो सकता है? नेवर। ये 4 कभी नहीं हो सकता है क्योंकि 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम संख्याओं को फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया था, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार हमारे लिए ए की जगह पर क्या रख दिया, 3, यहाँ हो गया 2, क्वेश्चन हमारा क्या है 1, एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो 1। सो 3 इज इक्वल ऑफ 2 × 1 + 1। तो ये डिवीजन लेमा के अनुसार है। अब इसी पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इसमें क्या है ये, उसको ज़रा सा हम लोग ध्यान देंगे, इसको समझिएगा, ठीक है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी क्या डिवाइड करते हैं बाबू। हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 कभी नहीं हो सकता है। 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, ये कभी भी हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें अंत तक। सबसे पहले आप ये देखो, कुछ संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q और 2q+1 फॉर सम इंटीजर q। सी दिस इज एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करें, यानी क्या मैं बता रहा हूँ आपको, रिप्रेजेंटेशन बता रहा था। शुरू में ही मैंने बताया था कि हम लोग संख्याओं को इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। HCF को हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उसको हम लोग देखें कि किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग दिखा सकते हैं किसके रूप में, आइदर 2q और 2q+1 फॉर सम इंटीजर q। तो कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा स्टेप्स है, चूँकि मैंने पहले ही बताया एल्गोरिदम मीन्स वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स। ओके, सो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट ए इज द पॉजिटिव इंटीजर विच वेन डिवाइडेड बाय 2। ये 2 क्यों लिया, आप इस 2 को अपने प्रश्न से ले सकते हो, अपने क्वेश्चन से। यहाँ पर जो संख्या है उसको एज अ डिवाइजर हम लोग लेंगे। सो लेट ए इज द पॉजिटिव इंटीजर विच वेन डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशेंट
B, Q and remainder B, R. यानी इसका अर्थ क्या हुआ जरा समझेंगे कि मान लिया कि वह संख्या कौन सी है ए है जिसको हम किससे डिवाइड करेंगे टू से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा आर और क्वेश्चन के रूप में क्या होगा क्यू देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर A इक्वल्स बी क्यू प्लस आर सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल टू क्यू प्लस आर एज वी नो वी हैव डिवाइजर एज टू इसलिए हमने B के जगह पर किसका इस्तेमाल कर दिया टू का इस्तेमाल कर दिया सो A इज इक्वल ऑफ टू क्यू प्लस आर इन द फॉर्म अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे पास डिवाइजर टू है तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे आइदर इट विल बी जीरो और वन सो सिंपली यू कैन राइट द पॉसिबल रिमाइंडर्स बी जीरो और वन सो लेट आर इक्वल जीरो जब आर हमारे पास क्या होगा जीरो यानी हमने पहले केस में किसको लिया जीरो को तो आर के जगह पर हम जीरो को पुट अप कर देंगे सो ए विल बी इक्वल ऑफ टू क्यू प्लस जीरो सिंपली ए इज इक्वल ऑफ टू क्यू ओके डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टूड सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन मीन्स व्हेन वी पुट आर एज जीरो वी गेट द फॉर्म ऑफ नंबर ए इक्वल टू क्यू बट हमारे पास अभी एक और रिमाइंडर बचा हुआ है सो लेट आर इक्वल वन देन ए विल बी टू क्यू प्लस वन सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म और हमारे पास अब कोई रिमाइंडर नहीं है तो इस तरह हमने क्या देखा कि अगर किसी भी संख्या को हम टू से डिवाइड करते हैं तो संख्याओं का जो फॉर्म है वह या तो टू क्यू है या फिर टू क्यू प्लस वन के रूप में है सो we can say that every positive integer is of the form of 2q or 2q plus 1 okay समझ में आ गया होगा यानी एक बार और हम इसको रिविजिट कर लें कि लेट a is the positive integer विच वेन डिवाइडेड बाई टू टू कहाँ से ले रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में है यहाँ टू क्यू है और टू क्यू प्लस वन है सपोज दैट अब इसी संख्या में आप ये जानने का प्रयास करोगे कि जो संख्याएँ दो से डिवाइड हो जाती हैं उसको हम इवेन कहते हैं यानी इवेन का अर्थ क्या हुआ डिविजिबल बाई टू डिविजिबल बाई टू और ऑड जो ऑड संख्याएँ हैं दैट विल बी not divisible by 2 so definitely the numbers which will be divisible by 2 the remainder will come zero so in that case this is the question of NCERT isko jara samajhna so that every positive even integer is of the form 2q of the form 2q for some integer q so dear students पहले भी मैंने आपको बता दिया कि जो संख्याएं दो से डिविजिबल होती हैं तो उसके लिए रिमाइंडर क्या आएगा r will be always zero तो आप तो जानते हो कि a is equal of 2q plus r और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉसिबल जो रिमाइंडर हैं वो जीरो और वन है लेकिन जब हम इवेन नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर सिर्फ क्या होगा ज़ीरो होगा लेकिन आपको उससे मतलब नहीं रखना है आपको फिर यहाँ पर भी ए इक्वल टू क्यू प्लस आर है द पॉसिबल रिमाइंडर्स द पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हम ले रहे हैं दैट विल बी ज़ीरो किसके लिए फॉर इवेन
So at the place of r, if you will put 0, then what will you get? A equal 2q plus 0 means that is equal of 2q. Means the even number is of the form of 2q. Okay. So that is clear. But for odd integer, for odd integer, it will be 2q plus 1. 2q plus 1. सो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अब इस तरह आप समझ सकते हो. ज़रा सा हम यहाँ पर आपको एज अ हिंट्स बता देते हैं, ट्रिक के तरह, कि आप जानते हो कि जब हम किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे या तो 0, 1 या फिर 2. 3 तो कभी नहीं आएगा. तो 3 से डिवाइड होने वाली जो संख्याएँ हैं या फिर 3 से अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसको हम किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी द नंबर्स which are divided by 3. The numbers which are divided by 3 can be represented in the form of 3q or 3q plus 1 और 3q plus 2. सो सिमिलरली इसी तरह से हम और भी संख्याओं को दिखा सकते हैं. और सब संख्याओं को दिखाने के लिए आप इसी फॉर्म का इस्तेमाल करोगे. तो इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ समझाया कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कैसे डिफाइन करते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के आधार पर हम किसी भी संख्या को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम 4 से डिवाइड करने वाली संख्या को लिखें तो 4 से द नंबर्स विच आर डिविजिबल और डिवाइडेड बाय 4. अगर हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसके फॉर्म क्या क्या होंगे. चूंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल जो रिमाइंडर्स होंगे दैट विल बी 0, 1, 2 और 3. अब हम इस 4 केस को लेते हैं तो अगर हम 0 रखते हैं तो 4q plus 0 मीन्स क्या मिला हमें, 4q मिला. उसी तरह से अगर हम 1 लिखते हैं तो 4q plus 1 मिला. उसी तरह 4q plus 2 लिया, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो. 2 जब कॉमन लोगे दैट विल बी 2q plus 1, जो एक तरह से फॉर्म हो गया किसका, इवन का. किसका फॉर्म हो गया, इवन संख्या का. उसी तरह से 4q plus 3, तो इसमें आप देख सकते हो ये 4q और ये 4q plus 2 ये किसके फॉर्म है, इवन के, है ना. तो बचे कौन, 4q plus 1 एंड 4q plus 3 ये कौन सी संख्याएं हो गई, ऑड. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आया है तो इसे शेयर करें. अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे. जल्दी ही मिलेंगे आपसे. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट.